नमस्कार। अभी हाल के ही दिनों में आपने कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पे वो आपके हृदय या अन्य शरीर के अंगों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत आसान तरीका बताते हैं। उसमें मुख्यतः है कि अगर आप अपने मुट्ठी को ऐसे खोलेंगे, बंद करेंगे तो आपका हृदय जो है वो अच्छे तरीके से काम करेगा, या फिर आप पांच जगहों पर दबाएंगे तो आपका हार्ट, लीवर, किडनी और जितने भी अंग हैं वो सारे अच्छे तरीके से काम करेंगे। अगर मैं आपको ये कहूं कि ये जो सामान्य सा टेबल लैंप है, इसे ठीक करने का एक बहुत ही आसान उपाय है। सपोज कीजिए इसका बल्ब खराब हो गया, तो आप इसे बस अगर ऐसे हिलाएंगे या दिन भर आप इसको ऐसे करते रहेंगे, दिन में 5 बार, तो इसका बल्ब जो है वो खराब नहीं होगा या इसका वायर खराब नहीं होगा। तो क्या आप ये बात को मानेंगे? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि आप समझते हैं कि ये टेबल लैंप कैसे काम करता है। इसमें बल्ब है, उसमें फिलामेंट्स लगे हुए हैं, उसके वायर्स हैं, वायर्स जो है वो मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कनेक्ट रहता है और उसी इलेक्ट्रिसिटी करंट पे निर्भर करता है कि ये जलेगा या नहीं जलेगा। उसमें अगर सप्लाई नहीं आएगी तो ये नहीं जलेगा, या स्विच बोर्ड खराब हो जाएगा तो इसका एक तरीका है कि इसे कैसे ठीक किया जाए। अब आप सोचिए कि ये अगर टेबल लैम्प, ये सामान्य सा टेबल लैम्प अगर इतना ऑर्गेनाइज है तो आपका शरीर कितना ऑर्गेनाइज होगा, आपका शरीर कैसे काम करता है, आपके शरीर में कौन सा अंग कहां पे है, उस अंग का ब्लड सप्लाई, उस अंग का नर्व सप्लाई, वो सारा कुछ प्री डिसाइडेड होता है। उसमें ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है कि इस हिस्से को दबाने से आपका हृदय काम करने लगेगा या बेहतर तरीके से काम करेगा। अगर ये वाकई ऐसा होता तो कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका किसी कारणवश हाथ को काटना पड़ जाता है, तो क्या वैसे व्यक्तियों में उनका हृदय किसी तरीके से प्रभावित होता है, या वैसे व्यक्तियों में उनका लंग, लिवर या किडनी प्रभावित होता है? नहीं, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से, सुचारू तरीके से काम करता है। तो अगर इस हिस्से में, इसका मतलब यही हुआ कि इस हिस्से में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके हृदय को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करे, तो बहुत जरूरी है कि आप किसी भी ऐसे जानकारी को जो अपुष्ट सोर्सों से आई हुई हो उसको आप सिर्फ उनके लाइक्स या उनके कमेंट्स को देखकर या उनके पर्सनल एक्सपीरियंस को देखकर आप उसे सच माने। आज के दौर में जानकारी जो है वो बहुत आसानी से अवेलेबल है। आप अपने किसी भी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, आप खुद भी गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं कि क्या वाकई वैसा संभव है। ठीक इसी तरह अभी कई ऐसे कंपनियां हैं जो कि आयुर्वेद का नाम लेके लिवर डिटॉक्स या किडनी डिटॉक्स या पूरे शरीर को डिटॉक्स करने का क्लेम करती हैं। हम लोग जल्द इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं ये बता दूं कि इस तरह की कोई भी जानकारी गलत होती है। जब आप सिगरेट पीते हैं तो वो सारा जो टार है वो सिर्फ आपके लंग्स तक सीमित नहीं रहता है, वो ब्लड सप्लाई के थ्रू आपके पूरे शरीर में जितने भी वेसल्स हैं उन सबको भी प्रभावित करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी भी दवाई को आप ऐसे 1 या 2 महीने या आप जिंदगी भर भी खाते रहेंगे तो वो आपका लंग डिटॉक्स करेगा, बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ आपके समय की, आपके पैसे की और आपके स्वास्थ्य की बर्बादी करेगा। तो ऐसी कोई भी जानकारी को हमेशा सही ना माने, उसे देख लें कि कितना सही है कितना गलत, और अगर आपको कुछ भी शंका हो, कुछ भी सवाल हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।